उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिए नैतिक पार्टी जोर शोर से तैयारियां कर रही है। रविवार को पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष सीबी पांडे के निर्देशन में तैयारियां तेज करने को लेकर जावेद खान जिला अध्यक्ष भारत परिषद एवं 120 विधानसभा प्रत्याशी से बात की। साथ ही शेरगढ़ ब्लॉक में लोगों से जनसंपर्क कर पार्टी की नीतियों को लेकर घर घर जाकर लोगों वोट देने की अपील के साथ ही लोगों को वोट देने की अपील की। साथ ही योगी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए बोले, यूपी में महंगाई से जनता अब त्रस्त हो चुकी है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा 120 विधानसभा प्रत्याशी जावेद खान ने। देखिए, ये हमारी नैतिक पार्टी है जिसका गठन माननीय श्री चंद्रभूषण पांडे जी ने किया है, जो न्यायाधीश रहे, ऑल इंडिया जजों के अध्यक्ष रहे, गवर्नर के सलाहकार रहे, उत्तरांचल सरकार में अपर महाधिवक्ता रहे और सन 1992 से भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन चला रहे हैं और उनका एक सामाजिक संगठन भी है भारत परिषद, उससे मैं जिला अध्यक्ष हूँ भारत परिषद से, उनके एक प्रधान संगठन भी है। तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सी वी पांडे जी की पार्टी जो है नैतिक पार्टी, उससे प्रत्याशी हूँ 120 भोजीपुरा विधानसभा बरेली से। और जो हमारा एजेंडा जो चल रहा है वो मुख्य रूप से है गांव की सरकार। गांव की सरकार क्या है, ये हमें एक जन जागरूकता अभियान चलाना है, जन जन को बताना है कि जैसे कि केंद्र सरकार को पावर है अपनी सरकार चलाने का, उसी तरीके से राज्य सरकार को भी पावर है राज्य सरकार चलाने का। तो संविधान में वो अधिकार ग्राम पंचायत को भी दिए गए हैं, मतलब गांव की सरकार को भी वो अधिकार दिए गए हैं जो केंद्र सरकार को दिए गए, जो राज्य सरकार को दिए गए। लेकिन गांव सरकार के वो अधिकार जो है वो राज्य सरकार के पास है और गांव सरकार विकलांग है। एक प्रधान अगर चाहे तो एक लेखपाल से काम नहीं करा सकता, एक थाने के सिपाही से काम नहीं करा सकता है। तो हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि गांव सरकार लागू होना चाहिए है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश का कहना है कि आपके क्षेत्र में कहां कहां का दौरा है आप आने वाले समय? देखिए, दौरा मैं अभी बता रहा हूँ, मैं पहले ये बात पूरी हो जाए कि जो गाँव सरकार है उसका एजेंडा जो है, हमें माननीय जज साहब का कहना है कि हमें राज्य सरकार की दया नहीं चाहिए, वो उसको पावर दे। गांव का पैसा, गांव का पावर, गांव का हक गांव को मिलना चाहिए और गांव का जो गांव की सरकार है वो गांव के लोग ही चलाएंगे, गांव की व्यवस्था गांव के लोग देखेंगे। विपक्षी पार्टी क्या करेंगी, वो तो चीख रहा चिल्ला रहे, कौन सुन रहा उनका। हाँ, EVM मशीनें हैं, धानलेबाजी चल रही है, समझे। केंद्र के जो विपक्ष लोग हैं, जो राज्य सरकारों में जो बैठे विपक्ष के लोग, कौन उनकी सुन रहा है, सब तो एक हैं। मौजूदा सरकार जिस तरह से फूटा वगैरह बांट रही है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्री कोटा बट रहा है, ठीक है। उधर 35 किलो गल्ला दे दिया, इधर सिलेंडर 1000 रुपये का कर दिया, डीजल पेट्रोल 100 रुपये कर दिया है, समझे। तो सब लूट रखा, सबका साथ सबका विकास का नारा कैसा कहां, मतलब कहीं, अरे सबका कहां बैठ रहा है, कहां सबका साथ हो, कहां सबका विकास है, हमें बता दी कहां विकास है। हाँ, किसान जो है, हजारों किसान मारे गए हैं, अब चुनाव का टाइम आया तो वो बिल जो है किसान के पक्ष में है वो वापस कर लिया। रिपोर्ट देवेंद्र पटेल की।